माजी फल एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है। इसके इस्तेमाल से शरीर के घाव तेजी से भर जाते हैं, वहीं शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द में यह तुरंत राहत देता है। वहीं नसों की सूजन में अन्य किसी भी तरह की सूजन को यह तेजी से ठीक करता है और शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इसका इस्तेमाल आसानी से कर स्वस्थ लाभ लिया जा सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर दीप्ति सीएचसी खेगड़ा बागपत ने जानकारी देते हुए बताया कि माजी फल को मायाफल भी कहा जाता है। यह एक ऐसी औषधि है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। यह शरीर के घाव को भरने का काम करती है और नसों में किसी भी तरह की समस्या को जल्दी ठीक करने का काम करती है। यह शुगर के मरीज को भी काफी आराम देती है और शुगर के मरीज का शुगर काफी कंट्रोल रहता है। इसका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के घाव में यह कारगर साबित होती है और यह इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाती है और बीमारियों को शरीर से कोसों दूर पहुंचाती है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर दीप्ति ने बताया कि माची फल ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो आसानी से किसी भी जगह मिल जाती है। इसके बीज को भूनकर उसका चूर्ण बनाकर सुबह शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इसके बीज को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर लिया जा सकता है। यह एक ऐसी औषधि है जिसे आसानी से उपयोग कर मनुष्य दर्जनों बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकता है और इसके उपयोग से दर्जनों बीमारियां मनुष्य के शरीर से दूर रहती है। बस इसका सही प्रकार से और नियमित तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। माजू फल को हम आयुर्वेद में माया फल भी बोलते हैं। इसका उपयोग एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है। हमारे शरीर पर या त्वचा में कहीं भी कोई स्वेलिंग हो तो हम इसका उपयोग करते हैं। माजू फल को हम पानी में पकाकर यूज कर सकते हैं, इसका पानी यूज कर सकते हैं, इसको भून कर यूज कर सकते हैं और इसका पाउडर जो होता है उसका हम यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग हमारे जो प्रसव के बाद जो स्त्रियाँ होती हैं उनमें भी जो स्वेलिंग आ जाती है उसमें भी काफ़ी उपयोगी होता है। और जैसे कि हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, मसूड़ों से खून आता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके चूर्ण को हम पेस्ट के रूप में दांतों की सफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारे शरीर में कहीं भी कोई स्वेलिंग है, कोई घाव हो गया है तो उसको जल्दी रिकवरी करने के लिए हम माजू फल का उपयोग कर सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है डायबिटीज़ वाले पेशेंट।